नमस्कार, आज मैं आपको गैंग ऑफ 420 के बारे में बताऊंगा। इस गैंग में एक दो नहीं बल्कि कई कई लोग शामिल हैं और यह गैंग है 420 का। और शिक्षा के क्षेत्र में यह गैंग कार्यरत है, शिक्षा के क्षेत्र में जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र में भी इन 420 ने कोई कसर नहीं छोड़ी है 420 करने में। यह कहानी है, यह घटना है, यह समाचार है आजमगढ़ ज़िले का। आजमगढ़ ज़िले का एक गांव है गुढ़हरा, लालगंज तहसील में पड़ता है। यहां के एक बासिंदे हैं पवन सिंह और इनके पिता का नाम है श्री प्रकाश सिंह और लल्लू सिंह। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर पवन सिंह की पढ़ाई दो बार कराई है हाई स्कूल में, ताकि उनका लड़का मेधावी कहा जाए, अच्छे नंबर से पास हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दो बार अलग अलग डेट ऑफ बर्थ रखना हर तरह से गलत है, हर तरह से कानून का मजाक उड़ाना जैसा है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि पवन सिंह और उनके पिता ने एक ही विद्यालय में यह कारनामा कर दिखाया। अगर विद्यालय कोई दूसरा होता तो एक बार समझा जा सकता था कि हो सकता है दूसरे विद्यालय को इसकी भनक न लगी हो। पवन सिंह 2009 में भी आदर्श माध्यमिक उच्चतर विद्यालय पारा जीवली आजमगढ़ से हाईस्कूल पास किए और 2011 में भी इसी विद्यालय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से दूसरी बार हाई स्कूल पास की। अब दो दो बार उन्होंने हाई स्कूल पास किया और दोनों बार उनकी डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि अलग अलग है। इस बात की शिकायत मैंने कई बार जनसुनवाई पोर्टल पर किया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार मैं फिर से एक बार प्रयास कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। दोस्तों, यह एक कंप्लेन आपके सामने खुला हुआ है जिसका सब्जेक्ट है गैंग ऑफ 420। क्योंकि इसमें कोई एक 420 नहीं है बल्कि पूरी ग्रुप है, पूरा गैंग है 420 का। स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स हैं और पूरा स्कूल कम्युनिटी, पूरा स्कूल मैनेजमेंट है। एक स्टूडेंट जिसका नाम पवन सिंह है, उसने हाई स्कूल की परीक्षा दो बार पास की थी अलग अलग वर्षों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के साथ। पर यह स्टूडेंट अकेला अपने दम पर यह 420 कर पाए यह संभव नहीं है। इसमें उसके पेरेंट्स का और विद्यालय प्रशासन का पूरा सहयोग है। अब इस कंप्लेंट को मैं जनसुनवाई पोर्टल पर सेंड करूंगा, रजिस्टर करूंगा और उसके बाद हमेशा की तरह इंतज़ार करूंगा निस्तारण का। और अगर संतोषजनक निस्तारण नहीं आया तो फीडबैक दूंगा, और फिर भी नहीं आया तो न जाने क्या करूंगा, आप बताएं। अब हम इस पे आ रहे हैं रजिस्टर्ड ग्रीवनेस में। खुलने में कुछ टाइम लग रहा है और अब ये खुल चुका है। नाम, पिता का नाम ऑलरेडी लिखा रहता है इस पोर्टल पर, जेंडर हर बार चुनना होता है। नाम वही है, फादर का नाम वही है, तो जेंडर इस बीच बदल जाए इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर जेंडर चेंज में सालों लगते हैं। मेल है भाई। और डिपार्टमेंट चुनना होगा तो 420 की बात पुलिस डिपार्टमेंट में ही जानी चाहिए। गृह एवं गोपन इसे कहा जाता है। कैटेगरी क्या है? घरेलू हिंसा तो नहीं है। अन्य प्रकरण, एफआईआर दर्ज कराना है भाई। और यह है कंप्लेन। नेक्स्ट, रूरल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़, और तहसील है लालगंज। लालगंज का ऑप्शन तो ऊपर ही है। और थाना है बरहद वैसे कहा जाता है, तो बरहद ऑप्शन आ रहा है। और ब्लॉक है ठेकमा। वृहद पंचायत है गुनहरा।
नाम तो गुड़हरा है पर इसमें गुनहरा लिखा हुआ है, और यहाँ पे गुड़हरा है। मैं अपना एड्रेस भी दे दूँ, करंट विलेज केसरीपुर पोस्ट लौता वाराणसी। और नेक्स्ट, फोटो वगैरह नहीं लगाना है भाई। और ये अपनी कंप्लेन दर्ज हो गई, मैं इसका ज़रा स्क्रीनशॉट भी ले लूँ एक, देखते हैं क्या कुछ होता है शिकायत पर।